गिव एन इंडिकेशन कि कितने बढ़िया नतीजे फाइनेंशियल से आ रहे हैं, यूको बैंक को पुल अप करिए, 6.5% ऊपर ये स्टॉक है। आज सुबह जय ठक्कर ने खरीदारी की राय दी थी 10 की कमाई के लिए, मुनाफा 205 करोड़ से बढ़कर 505 करोड़ का आपको आते हुए दिखा, तो जबरदस्त उछाल यहां पर आपने मुनाफे में आते हुए देखा है जहां तक यूको बैंक का सवाल है। नेट इंटरेस्ट इनकम ये भी 1600 करोड़ से बढ़कर 1770 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस यूको बैंक की तरफ से आई है और इसलिए आप स्टॉक को भी वैसे ही रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी चार्ट भी जरा एक बार पुलअप करिए, यूको बैंक की बढ़िया नतीजे आ रहे हैं, ग्रॉस एनपीएस में आपने गिरावट देखी है, एसेट क्वालिटी में सुधार का पूरा पूरा ट्रेंड है, नेट एनपीए ये भी 2.49% से घटकर 1.99% से कम के इनके नेट एनपीए भी आते हुए दिख रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस, स्टॉक पर भी रिएक्शन, चार्ट्स क्या कह रही हैं सुमित जी? चार्ट्स भी अच्छे दिख रहे हैं, मैंने सुबह भी कहा था कि ये छोटे मझोले बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है तो कुछ ना कुछ इनके अंदर बड़ा मूव आने वाला है। यूको बैंक में भी वैसा ही मूव है, 15 का लेवल निकलने के बाद 18 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में यूको बैंक में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, 14 रुपए के आसपास का इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर में 15.5 का लेवल टूटने के बाद 17.5 से 18 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में यूको बैंक में देखने को मिल सकते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यूको बैंक पर भी रखिए नजर, जबरदस्त नतीजे इस काउंटर के आपको।